কর্মারহীন যায় ধর্মে নমস্কার আপোনালোকক সবক আজি আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল যায় ধর্মলৈ স্বাগতম জনাইছো। আহক আজি আমি সবে মিলি কুৰুক প্ৰণাম অথবা কুৰুক সর্বনাম ক্লাস স্টার্ট করো। আৰু যোনে যোনে আমাৰ চ্যানেলত নতুন আছে অনুগ্রহ কৰি চ্যানেলখন সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়ার কৰিব। আৰু চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিলে আগন্তুক দিনলৈ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওবোৰৰ আপডেটছবোৰ পাই থাকিব। সো লেটস গেট স্টার্টেড টুডে। आइए आज हम सर्वनाम या प्रोनाउन जिसको असम इसमें हर्वनाम कहा जाता है उसको सीखेंगे और जिसको कुड़ुख में उइजी पिंजका कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए प्रोनाउंस शब्दों को सीखने से पहले हम लोग वचन में जाते हैं, थोड़ा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को सीखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका होता है आय, जिसको हिंदी में मैं बोलते हैं और आसामीस में मोय, और उसी को प्लूरल फॉर्म में वी और हिंदी में हम और आसामीस में अमी, उसी को कुड़ुख में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को बऊ आल और सिंगुलर में आय है, आय को बोलते हैं एन का मतलब मोय बा मैं ऐसा। तो प्लूरल में वी, प्लूरल में कुड़ुक शब्द में दो शब्द आता है जैसे कि एम और नाम, ये दोनों शब्दों को हम इससे पीछे विस्तार में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड पर्सन जिसको कुड़ुक में मीनू आल कहते हैं, जैसे कि सिंगुलर फॉर्म में है यू, ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं तुम लोग और असमीस में तुम लोग नहीं तुम बा आप और आसामीस में तुमी बा आपुनी, उसी को प्लूरल फॉर्म में यू, उसको तुम लोग और आप लोग और आसामीस में तुम लोग तुमा लोग के बा अपना लोग के बा तुमा लोग बा अपना लोग, और उसी के कुड़ुख में मीनू आल, सिंगुलर यू में नीन और प्लूरल यू में नीम। और थर्ड पर्सन में ही सी इट, जिसको हिंदी में वाह या आसामीस में ही फॉर ही और ताई फॉर सी, वैसे ही दे को वे और त्यो लोग बा तेके थकल, जिसको कुड़ुख में थर्ड पर्सन को उर्खू आर, जो चुपचाप से सुनता है थर्ड पर्सन, इसको ही बोलने से तीन शब्द आता है, वो है इस हुस आस, और सी बोलने से ईद हुद आद, तीन शब्दों में आता है, जैसे कि दे प्लूरल फॉर्म में दे है, वो भी तीन शब्दों में आता है ईर हुर आर, जिसको ये तीन शब्द है जैसे कि इस ईद ईर, इसको जो सबसे कोई भी जो सबसे सामने होगा नियरेस्ट उसी को इस ईद या ईर कहा जाता है, जैसे कि वो नियरेस्ट जो सामने है उसके थोड़ा दूर उसको क्या बोलेंगे हुस हुद हुर, और उसके अलावा जो सबसे दूर होगा जो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा जैसे कि आस आद या आर, ये थर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है, हम इसी के बारे में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में एक अलग से वीडियो देने के लिए कोशिश करूँगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। एन मतलब मैं, असमीस में मोय और इंग्लिश में आई। अगला शब्द है एम, जिसको हिंदी में हम सब बोला जाता है और आसामीस में आमी बा आमालोके और इंग्लिश में वी, इसको कुड़ुख में एम।
अगला शब्द है नाम। नाम का मतलब भी हम सब वा आमी और वी, लेकिन ये नाम शब्द है इंक्लूडिंग ऑल, जितना भी है सामने है थोड़ा दूर में है सब को लेके बोला जाता है नाम, उसी को बोलते हैं वी। तो और नेक्स्ट शब्द, अगला शब्द है नींद। नींद का मतलब यू, हिंदी में तुम या आप, और असमिस में तुमी बा अपोनी। अगला शब्द है नीम। नीम का मतलब तुम सब या आप सब, असमिस में तुम्हार लोग के बा अपना लोग के, इंग्लिश में यू ऑल। सो ए नीम यू ऑल। अगला शब्द है एंघाई, जिसका मतलब है मेरा या मेरी। एंघाई असमिस में मोर, और इंग्लिश में माई या माइन। अगला शब्द है एमहाई। एमहाई का मतलब है हम लोग का, असमिस में हमार और इंग्लिश में अवार। ये ऊपर दिया गया है तलोंग सिक्की में, अच्छा से देख लीजिए और लिख लीजिए ताकि आप लोग अच्छा से सीख सके। इसके बाद है नमहाई। नमहाई का मतलब है हम सब का या हमारा, और आसामीस में अमार बा होकोलोरे, अमार होकोलोरे, और इंग्लिश में आवर्स, हम सब का। ये भी लिख लीजिए अच्छा से ताकि अच्छा से सीख सके। और अगला शब्द है निंघाई। निंघाई मतलब तुम्हारा या तुम्हारी या आपका, तो इसी को असमिस में तुम्हार बा अपनार, और इंग्लिश में योर या योर्स, दो दो शब्द। तो ये है निंघाई, और ऊपर दिया गया है तोलोंग सिक्की में, अच्छा से देख लीजिए और सीख लीजिए। फिर अगला शब्द है निमहाई। नीम हाय, तो निमहाय का मतलब है तुम सब का या आप सब का, और उसी को असमिस में कहा जाता है तुम्हालोकर बा आपुनालोकर, और इंग्लिश में योर्स, तुम्हारा और तुम सब का आपका। तो अच्छा से देख लीजिए। अगला शब्द है इस। इस का मतलब या और ही, असमिस में ही बा त्यो। तो अच्छा से देख लीजिए। और ये इस जो आपके सामने होगा उसी को इस कहा जाएगा, ही जो सबसे सामने उसी को, जैसे कि सेकेंड पर्सन को ही कहा जाता है, इस कहा जाएगा। अगला शब्द है ईद। ईद का मतलब या सी, जिसको असमिस में ताई या त्यों कहा जाता है। तो ईद जैसे कि ही है इस, वैसे ही यह सी यूज़ किया जाता है सामने वाले लड़की के लिए, सी व ईद। तो आज के लिए बस इतना ही है, तो और जितना भी बाकी है वो अगले वीडियो में आएगा। तो जितना भी देख रहा है, जितना भी लोग देख रहा है इसको, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चाहिए तो कमेंट कीजिए। और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम अगले वीडियो में और आपको आप लोगों को अच्छा से बता सकूं। थैंक यू, बाय बाय, और जय धर्मे।